वैसे तो बेबी डक्स का खाना खाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मैसी होती है, अपने पूरे बॉडी में पैरों में कीचड़ की तरह लगा देती है, फैला जुला के खाते हैं। बट जो भी हो, दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। तो इसी वजह से, ताकि पूरा गंदा ना हो जाए और घर भी पूरा गंदा ना हो जाए, इस वजह से मैं एक टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। डायरेक्ट आप ज़मीन पर या फिर कोई बोल पर खाना देने के अलावा, अगर आप लोग इस तरीके की मैट की इंतज़ाम करेंगे एंड उसके ऊपर खाना देंगे, उसके ऊपर बोल पे पानी देंगे और ट्रे की तरह जैसे कि मैंने दिया है ना, इसी तरीके से खाना खाने में बेबी डक्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी हो जाती है। और ये मैट की वजह से वो कीचड़ की तरह फैलते नहीं है। अदरवाइज़ पूरा खाना ना बेबी डक्स क्या करती है, पानी में भिगो भिगो के थोड़ी सी सॉफ्ट करके फिर खाती है। तो इस चक्कर में पानी खाना मिलजुल के पूरा कीचड़ की तरह हो जाती है। तो पहले मुझे उतना समझ नहीं थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जा रही है तो मेरी भी एक्सपीरियंस हो रही है। तो इसी वजह से मैं भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, गंदा कम होने का अगर आप लोग कोई रास्ता जानना चाहते हो तो यही होती है। आप जिधर पे भी खाना दे रहे हो उस हिसाब से आप मैट दे दीजिए, एक मैट के ऊपर खाना दीजिए, तो पानी जो भी गिरेंगे वो सोक कर लेंगे और बाद में वो जाके आप लोग साफ कर देना। तो इससे क्या होगा, गंदगी बहुत कम होती है। अदरवाइज़ बेबी डक्स या फिर कोई भी डक्स खाना खाने के टाइम पर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और बहुत ज़्यादा पानी पीती भी है और उसे खेलती भी है। तो इस वजह से, पानी की वजह से बहुत कीचड़ की तरह फैल जाती है और टाइल्स में भी आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी स्पॉट स्पॉट जैसे दिख रही है। तो ये सारा खाना ही है। और हाँ, और एक चीज़, अगर आप लोग सोचेंगे ये पानी इतना येल्लो क्यों दिख रही है, इसमें मैंने क्या मिलाई है, हल्दी या फिर कुछ, तो मैं बता देना चाहती हूँ, नहीं फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं मिलाई है, बेबी डक्स ने पूरा पानी को येल्लो बना दिया है। और वो किस तरीके से, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो खाना मैंने दिया है ना, यही खाना को जब मुंह से ले लेके, इसका कलर थोड़ी सी हल्की येल्लोइश कलर में है खाना, तो यही खाना जब पानी के साथ वो मिला के खा रहे हैं ना, तो मुंह से ले लेके पानी में डाल रही है, उसको सॉफ्ट करके खा रही है, तो ऐसे खाते खाते पूरा पानी येल्लो हो गई है। और अगर आप पूछेंगे ये कौन सा खाना है, ये बेबी डक्स के लिए क्या सही है या फिर नहीं, मेरी एक्सपीरियंस के तौर पर, मेरे आसपास के एरिया पर जिनके भी पास बेबी डक्स है या फिर चूज़े हैं, मुर्गियों के बच्चे हैं, तो उनसे जानने के बाद मुझे यही लगा, नॉर्मल प्लेन राइस या फिर खिचड़ी की तरह कोई कोई देती है, चावल उबल जाने के बाद जो पानी होती है वो देती है, कोई बचे हुए चावल, बासी जो चावल होती है वो दे देते हैं, तो वो सबसे अच्छा है ये वाला डाइट, बहुत ही अच्छा डाइट है मेश। तो ये येल्लो येल्लो कलर की जो छोटे छोटे दाने जैसे आपको दिख रही है ना, ये इसको मेश कहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो एक बेबी डक को लाने के लिए या फिर पालने के लिए, तो हमेशा उसका डाइट का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और घर का बचे कुचे खाना या फिर हमारे इंसानों वाली खाना देने से अच्छा है जो छोटे छोटे बेबी डक्स होती है उनको आप मेश खिलाओ, तो उससे उसका हेल्थ ग्रोथ भी अच्छी होती है और जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, उसका हेल्थ भी कोई इशू नहीं रहेंगे। तो उसके बाद बड़े हो जाने के बाद मैं क्या खिलाती हूँ क्या नहीं खिलाती हूँ वो तो आप लोगों को दिखेंगे, बट छोटे बेबीज़ को हमेशा ये मेश जो है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हमारे आसपास के जगह पे और बंगाली पे इसको मेश कहते हैं, जो कि चूज़ों को यानी कि मुर्गियों के बच्चों को भी ये दिया जाता है। और मेरी डग्स जो है बहुत ही शौक से खाती है, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे घर पे खुले हुए रहते हैं ना बालकनी में, तो कोई चींटी वगैरह देख लिए ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की, तो उसको भी खा जाते हैं। तो आई थिंक ये नेचुरल है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करती हूँ। और ये छोटे वाला जो ब्राउन कलर का है ना, ये इसका ग्रोथ थोड़ी सी वाइट का अनुसार थोड़ी सी कम हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रही है, बट जो भी हो, ये वाइट कलर की जो बेबी डक है उसका कलर भी चेंज हो रही है। आप देख सकते हो येल्लोइश पूरा थे जब बचपन में बिल्कुल छोटी सी थी, तो धीरे धीरे वो वाइट कलर हो रही है, आप देख सकते हो, और येल्लो कलर लाइट हो रही है, न्यू न्यू जो भी फर आ रही है, ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे वाइट आप देख पा रहे होंगे। और ब्लैक वाला तो आप लोगों को पता ही है, ये एक मेल डक है। तो कुल मिला के मेरे सारे बेबी डक्स के खाना खाने का तरीका आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना।